नहीं दोस्तों, ये हैं चपड़ी कबाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू पाकिस्तान हिल्स एंड फूड, और मैं हूं आमिर ज़ुबैर आपके साथ। और मैं इस वक्त हूं मेन जीटी रोड के ऊपर और तारुल जब्बा, बहुत ही फेमस, यहां पे आपको चपली कबाब मिलेंगे जी खाने के लिए, और बेपनाह रश होता है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया हूँ आते हुए, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि रश किस तरह से, और यहाँ पे बाज़ टाइम तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। तो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? तो कहाँ से तशरीफ़ लाएँ जी आप? सवाबी से आए हैं। तो कैसा यहाँ पर चपली कबाब? ज़बरदस्त है। हाँ हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया जी। और ये कागज़ के सुफरे जो हैं वो नीचे बिछाए हुए हैं ताकि गंदगी जो है नीचे ना पड़े, और इसी कागज़ को लपेटते हुए वापस बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं भैया? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। तो आप चपली कबाब खा रहे हैं, कैसा है यहाँ पे चपली कबाब? कहाँ से हैं? यहीं से हैं? पेशावर? पेशावर से हैं। मैं पेशावर से 10 12 15 किलोमीटर बाहर निकल के आप खा रहे हैं यहाँ पे आके? बहुत मज़ेदार है, इसका तो नाम है रामबेल चावल। अच्छा, रामबेल चावल। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं तो कराची से आया हूं। ये ट्रेडिशनल है यहाँ का पेशावर का, लोग इकट्ठे होके चार पहियों पे और एक ही प्लेट में इकट्ठे खाते हैं। और आप ये माशाल्लाह से रश देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग एक दूसरे से बैठ के मिलजुल के खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो इसमें क्या क्या डालते हैं जी आप चपली कबाब में? धनिया डालते हैं, सब्ज मिर्ची, हाँ, सूख मिर्ची, अनारदाना, टमाटर। अच्छा, ये कितने सालों से लगा रहे हैं जी कबाब, चपली कबाब? 50 साल। 50 साल से? एक किलो लगा जो है, 1.5 किलो लगा दो, 1.5 किलो। किलो
दोस्तों यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा पेशावरी कावा। नहीं जी, ये इस वक्त गर्म हो रहा है, कैटल गर्म कर रहे हैं और ये कैटल के अंदर ही डाला हुआ जी कावा को, और ये कोयलों के ऊपर तैयार हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें गर्म पानी है। हाँ हाँ, तो बनाते कैसे हो यार इसको? अच्छा, तो आपको दिखा रहे हैं जी, ये पेशावरी कावा बनने जा रहा है, गर्म पानी डाल रहे हैं और ये कैटल को रख दिया है कोयलों के ऊपर, और इलायची है, इलायची डाली है जी पीस के, और ये क्या है जी? कावा है, ये चीनी है जी, बन चाय है, ये कावा है, कावा नहीं है। दोस्तों पेशावरी कावा तैयार हो गया। ठीक हो गया। नहीं दोस्तों, ये हैं चपड़ी कबाब और आपको इनका देते हैं हम रिव्यू और बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों ये आ गया जी हमारे चपड़ी कबाब, तो आपको देते हैं इसका रिव्यू, तो हमारे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। मज़ेदार मज़ेदार पेशावरी खाने हम आपके लिए लेके आने जा रहे हैं। और ये इसके साथ आ गई चटनी, ऑसम। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं जी चपली कबाब, स्पेशली यहाँ के और बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं फेमस चपली कबाब हैं यहाँ पे। और ये अच्छा, ये चटनी में क्या क्या डाला हुआ जी? ये इसमें ये पुदीना डाला है। हाँ हाँ, डाला है और दही डाला है, दही डाला है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल हॉट है दोस्तों, मुंह में जाता है तो क्या हाल होता है ये नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, कमाल का टेस्ट है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। तो इसके साथ आप जो है इसको, आपको मिलेगी स्पेशली ये खट्टी, जो कि आप इसके ऊपर निचोड़ के खाएं तो इसका मज़ा जो है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यार आप कहेंगे ऐसा ऑसम टेस्ट, मज़ा आ जाएगा कमाल का। हाँ जी जमशेद भाई, बहुत जबरदस्त यार वाकई। नहीं दोस्तों, फुल हॉट है जी और धुएं निकल रहे हैं, पकड़ा नहीं जा रहा। ओके बिस्मिल्लाह, आप लोग जब भी पेशावर की तरफ आएँ और इस तरफ आपका कोई विजिट हो, इवन के मैं कहता हूँ आप लोग इस्लामाबाद तक भी आते हैं, तो आप यहाँ पे आके तरनो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर खाएं इस चपली कबाब को, और आप अपनी ना उंगलियाँ कुछ चाटते रह जाएंगे। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार है, ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं इसमें टेस्ट आ रहा है प्योरली अपना पेशावरी का, क्योंकि और ये जो बन रहे हैं लकड़ियों के ऊपर तैयार हो रहे हैं, और वो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को यहाँ पे कहें आएँ, आके यहाँ पे खाएं। और जिन दोस्तों ने खाया हुआ है वो स्पेशली इसका बताएं हमें, दोस्तों बाकी को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे उनको टेस्ट कैसा लगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है अगले वीलॉग्स में। अपना और अपने तमाम दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।